कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको उसको ठीक करने की कोशिश करूं। 1 से 5 एकड़ तक 80% है इंडिया का फार्मर, अगर उसको 7 एकड़ तक ले जाओ 90% हो जाएगा। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार है लोग। आप कहते जमीन कैसे जाएगी, जमीन ऐसे जाएगी जो बड़ी कंपनी आ जाएगी, वो बड़ी कंपनी का 2-3 साल बाद जब उसके पास मोनोपोली चली जाएगी वो मर्जी के रेट देगा। आपने कहाँ लिखा है कि हम गारंटी देते हैं, लीगल गारंटी देते हैं कि उस मार्केट जो प्राइस MSP होगी उसके नीचे नहीं जाएगी प्राइस, कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा, ये क्यों नहीं करते? किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको उसको ठीक करने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे वहां मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा, सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मैं सर आपके सामने ही बैठा हुआ था। दूसरा, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया, ट्रेड एक्ट में यह प्रावधान किया कि APMC के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा, वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। APMC के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब APMC के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, APMC के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है, केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं, उनके यहां थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए? एक ही बात, मैं उसी पॉइंट पे बात करूंगा जो सबसे अब हॉट इशू है कि इसमें काला क्या है। आप हमारे साथी हैं, हम हमारे साथी रहे हैं, मैं चोट नहीं करूंगा, जो असलियत है मैं उसके लिए बताऊंगा, क्योंकि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। इसमें काला ये है
इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है, सारे देश का हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया है और 190 शहीद हो गए हैं। उनके लिए पहले तो हम सिर झुकाकर श्रद्धा भेंट करते हैं जिसकी इतनी कुर्बानी है। दूसरा, क्यों जे हो रहा है, क्यों वो जहाँ डेरा डाली बैठे हैं, जीरो सर्दी का है 0 पॉइंट, और गर्मी में वो 45 डिग्री में काम करता है, बारिश में वो वहाँ बैठा है, इसका कारण क्या है? कारण है कि ये कानून जो है 18 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें आप में पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा उसने डबल इनकम का किया है, कैसे करेंगे, सी टू मार्केट मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ, इतनी लाइन पे मैं बोलूँगा। इसमें हिडन एजेंडा है, यही बात है जो किसान को समझ आ गई। ये ऐसे कानून जो WTO के प्रेशर पे आ रहे हैं इस देश में भी, ये पहले कानून यूएसए यूरोपियन कंट्री में भी आ चुके हैं, और इस पे जो कारण है इसका, 1 से 5 एकड़ तक 80% है इंडिया का फार्मर, अगर उसको 7 एकड़ तक ले जाओ 90% हो जाएगा। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? तब वो बड़े यूनिट होएंगे, बड़े यूनिट जब बनेंगे जैसे यूएसए में या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, एक वहाँ संस्था है, वहाँ एक जो 4-5 कंपनी है जो ये सारे इस बिजनेस में है, ग्लोबल मार्केट में शेयर उनका 59% है, और जो उन कंपनी का है एग्रीमेंट होता है उसको ट्रिप एग्रीमेंट बोलते हैं, उस पर यूएसए में फूड सिस्टम कंसंट्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इस पर ये स्टडी कराई गई। उस स्टडी में साबित हुआ कि ये 15% जो कंपनी थी 2000 एकड़ पे पहले काम करती थी किसानों से ज़मीन लेके, फिर आस्ता आस्ता किसान आउट होता गया, अब वो 40% होगी। यही बात हिंदुस्तान में होगी कि 1-2 साल बाद ओपन मार्केट में मुकाबला नहीं होएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी वापस, क्योंकि जब मार्केट में कोई आएगा ही नहीं 20-30 ज़्यादा दे देगा, मार्केट फेल हो जाएगी, वो मोनोपोली हो जाएगी। जब उसकी मोनोपोली हो जाएगी 2 साल बाद, सीड से मार्केट, सीड भी उसका, पेस्टिसाइड भी उसकी, फर्टिलाइजर भी उसकी और प्रोसेसिंग भी उसकी, फिर जो चाहेगा वो देगा, जो रेट चाहेगा वो रेट देगा, क्योंकि ना तो उसका होल्डिंग पे कंट्रोल ना, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म में आस्ता आस्ता फार्म निकल जाएगा। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रतापूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि APMC खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं, APMC खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार है लोग, एक ही राज्य का मसला है। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपके आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए
प्लीज कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है। आप कहते जमीन कैसे जाएगी, जमीन ऐसे जाएगी जो बड़ी कंपनी आ जाएगी, वो बड़ी कंपनी का 2-3 साल बाद जब उसके पास मोनोपोली चली जाएगी वो मर्जी के रेट देगा। आपने कहाँ लिखा है कि हम गारंटी देते हैं, लीगल गारंटी देते हैं कि उस मार्केट जो प्राइस MSP होगी उसके नीचे नहीं जाएगी प्राइस, कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा। ये क्यों नहीं करते, ये किसान मांगता है कर दो, फिर हम किसान चुप कर जाएगा। सेकंड क्या है, आप गारंटी कंक्लूडिंग प्लीज कंक्लूड करना पड़ेगा। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है जमीन चली जाएगी। नो नो प्लीज नो कमेंट्स फ्रॉम ईदर साइड, नो कमेंट्स प्लीज, लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीक। जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय पारित हुआ था। जमीन ऐसे जाएगी जब उसको प्राइस पे कंट्रोल नहीं रह जाएगा, कहीं हमने तो कंट्रोल की गारंटी दी नहीं लीगल, तो आस्ता आस्ता किसान कर्जाई हो जाएगा, वो कंपनी जमीन ले लेगी और सब कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा, फिर असेंशियल जो एक्ट है उसके तहत होर्डिंग है, रेट कंज्यूमर भी मर जाएगा और प्रोड्यूसर भी मर जाएगा। दुनिया में कहीं भी प्रोड्यूसर वो कामयाब है जिसकी मोनोपोली है, किसी चीज़ का भी प्रोड्यूसर है ये फार्मूला है कि दुनिया में प्रोड्यूसर फेल होता है जिसकी मोनोपोली नहीं, वो कंपटीशन में कामयाब नहीं होता। और उसका असर किस पे होता है, कंज्यूमर पे, फायदा कौन बचाता है, जिसको आप बिचौलिया ट्रेडर कहते हैं। पहले तो ट्रेडर था 16-17 लाख, उससे किसान टकरा जाता था, अब तो 5-4 आ जाएंगे, 5-4 कंपनी रहेगी वर्ल्ड में जिसका ये सारी वर्ल्ड पे 59% शेयर है ग्लोबल मार्केट में, तो उसका कैसे किसान मुकाबला करेगा? सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में, और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है। और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। देखिए दीपेंद्र जी मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस कानून को वापस लीजिए, किसान के साथ द्वारा चर्चा कीजिए। अगर हमारी बात पहले मान लेते तो ना हम तो अलग होते, आपका प्यार रहता, तो ना हमें इस्तीफा देना पड़ता, और जे किसान को बहाना रुलना पड़ता और देश सारा डिस्टर्बना होता, आपको दिल्ली में द्वार जर्मन बालना निकालनी पड़ती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं अपील करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, ये डेमोक्रेसी है, लोग सरकार बनाते हैं, लोगों के लिए बनती है, लोगों के लिए काम करती है, इसलिए कोई बात नहीं, हम हाथ बन के कहते हैं, किसानों की तरफ से कहते हैं, जाए हमें देखे किसान कैसे स्वागत करेंगे, सभी पार्टी का एक साथ डाल लेंगे लीडर, जाए उनको उनके जाने से किसान खुश हो जाएगा और उसके चर्चा के बाद ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ किसान को दुश्मन ना समझिए, किसान मित्र है, अगर जय जवान है, जय किसान है, ताई जय हिंदुस्तान है। इसलिए हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम तो वो लोग हैं जिसपे गोलियां चली हैं,
हम तो हम लोगों ने मुकाबला किया, इसलिए हम देश के, ये देश हमारा है।